नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी बबलू के साथ। बात आज कुछ नए तरीके से, नए अंदाज में, वह भी जैसा कि आपको मालूम है कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में लाखों करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए। सरकार ने भी कह दिया है अब हम रोजगार नहीं दे सकते, आप अपना इंतजाम स्वयं करिए। महंगाई चरम सीमा पर है। इस तरीके से सबसे बड़ी समस्या मध्यम वर्गीय परिवार के लिए है, वह अपना गुजारा कैसे करे। हमारे साथ, मैं इनको थिंकर बोलूं, एक बड़ा विचारक बोलूं, लेकिन ये आपको तय करना है इस पूरी बातचीत सुनने के बाद कि मैं दुर्गेश त्रिपाठी जी से क्या बात कर रहा हूँ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इंटरनेशनल फेम का आदमी आज हमारे बीच में मौजूद है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो शख्स हमारे ही शहर का रहने वाला और हम ही नहीं जानते। मैं पिछले 25 साल से पत्रकारिता के फील्ड हूँ, मैं ही ये नहीं जानता था इनका अचीवमेंट क्या है। तो मेरा उनसे सबसे पहला यही सवाल होगा, आप किस गांव से, किस तरीके से, आप थोड़ा सा पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हम बात करें। मैं रीवा के बहुत छोटा सा गांव है मणिकवार रोड में, वहां का रहने वाला हूं, और बचपन में जो है बहुत अभाव में जीवन गुजरा, ऐसे कह सकते हैं। बाकी संस्कार बहुत अच्छे मिले, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जो आर्थिक तंगी थी और अवसर की कमी, ये कह लीजिए कि आगे बढ़ने की जो अवसर की कमी थी वो बहुत बड़ी थी। तो उसी, जिस तरह से हर एक युवा का संघर्ष होता है, वो संघर्ष करते हुए मैं शहर में आया, और बहुत सारे संघर्ष करने पड़े जो एक आम युवा के करने पड़ते हैं, उसके बाद इस व्यवसाय से सामना हुआ। और आज इस व्यवसाय के माध्यम से लाइफ, कह सकते हैं, पूरी तरह से बदल चुकी है। और अब मेरा मिशन है कि जो मेरी तरह बहुत सारे ऐसे युवा हैं, हिंदुस्तान युवाओं का देश है, इस समय करीबन 65 करोड़ युवा हैं भारत के अंदर। जो युवा इस देश की शक्ति बन सकते हैं, वो युवा इस देश की आज कमजोरी बन रहे। और सरकार की जहाँ तक बात करें तो सरकार वर्तमान परिस्थिति में नहीं दे सकती रोज़गार, ये कंफर्म हो चुका है, क्योंकि जिनके रोज़गार हैं उनके तो रोज़गार जा रहे हैं। और इसे आप जो बोलिए, समय की कठिनाई बोलिए या सरकार की कमी बोलिए, जो भी बोलिए, लेकिन फिलहाल बात यह है कि हमारे युवाओं को ये समझना पड़ेगा कि अब उन्हें कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि आखिर इस समस्या से लड़ा कैसे जाए। अगर हम सिर्फ कंप्लेन करेंगे तो रास्ता तो बनेगा नहीं। तो ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसके माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारे युवाओं, बीच में रुकूंगा जी, वक्त का तकाजा है। जैसा कि अभी आपने कहा, वक्त का तकाजा है, युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं। अब सरकार ने साफ तौर से मना कर दिया कि हम रोजगार दे नहीं सकते। आज देश में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है। पढ़ने लिखने के बाद अगर व्यवसाय नहीं है तो कितनी सारी समस्याएं आती हैं। खास तौर से ये हर आदमी जानता है, इसके बारे में हमें अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि आपने अपनी सक्सेस एक बहुत छोटी सी जगह मणिकवार से आपने अपना सफ़र प्रारंभ किया, और आज आप रीवा की बात तो करते नहीं, सीधे सीधे दिल्ली, बम्बई या न्यूयॉर्क या वाशिंगटन, सिंगापुर, ये तमाम जगह की आप बात करने लगे। तो ये हमारे युवाओं को भी बताइए, वो किस तरीके से वो भी ये बात करने लगे। सबसे पहले तो युवाओं को ये चीज़ करनी होगी कि उन्हें नौकरी की मानसिकता से बाहर निकलकर एक उद्यमी बनने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे कि हमें सिर्फ नौकरी मिल जाए और कुछ पैसे मिल जाए जीविकोपार्जन के लिए, वो हो सकता है मिल भी जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में ये पक्की बात नहीं है कि वो नौकरी कब तक में रहेगी। क्योंकि अभी अगर आप देखिए तो पिछले फर्स्ट जो लॉकडाउन था और अब तक में करीबन 5.5 करोड़ लोगों की जॉब जा चुकी है, यानी कि वो लोग जो वेल एस्टेब्लिश थे उनकी भी जॉब जा चुकी है। तो अगर अभी भी आप इसी रेस में हैं कि हमको नौकरी ही चाहिए, और अगर आप घर में इंतज़ार कर रहे हैं बैठकर, तो इंतज़ार करते रहेंगे तो आप अपने परिवार पर एक बोझ ही बन रहे हैं। तो एक उद्यमी बनने का प्रयास करिए, और ये व्यवसाय की जो जानकारी है वो आपके आसपास जो भी इसके वितरक मिलें, जैसे अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर हूँ, अंजुम मैडम थी यहाँ पर, उनके साथ मैं यहाँ पर था, तो जिस तरह से वो अपने लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, वैसे ही आपके आसपास जो भी वितरक हों, या आप यहाँ भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इनसे इस बात को डिस्कस करते हैं, व्यवसाय की जो पूरी प्रणाली है वो आपको समझा देंगी। ये कोई चिटफंड या ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है कि ये आप रातों रात अमीर बन जाएंगे,
लेकिन ये व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो अगर आप सही तरीके सिस्टम को समझकर अपनी थोड़ी स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करके अगर आप करेंगे तो वेलनेस इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है। वर्तमान समय में जो इसका मार्केट है वो कई गुना बढ़ा है, खासकर कोविड के बाद, क्योंकि अब लोगों को हेल्थ और इम्यूनिटी के बारे में मालूम है। तो ये जो है आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित बहुत सारे वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, जिनका हम लोग प्रचार करते हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ किसी की नौकरी नहीं करते बल्कि अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ये हम नौकरी नहीं करते, हम अपना स्वयं का व्यवसाय करते हैं। कितना मुश्किल काम है व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए, खास तौर से उनके लिए जिनके पास आज की तारीख में पैसे नहीं। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की, उन युवाओं की जो पढ़ने लिखने के बाद आज नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी मिलने के लिए कहीं है ही नहीं, तो मिलेगी कहाँ से। अब सवाल ये होता है कि जैसे कि आपने तो कह दिया डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में आप आ जाइए, आप मालिक बन सकते हैं। तो अब युवा के पास पैसा नहीं है, सबसे बड़ा सवाल तो है कि उसके पास पैसे नहीं, तो कितने पैसे में हम इस रोज़गार को स्टार्ट कर सकते हैं, और फ्यूचर में 6 महीने या साल भर के बाद अगर हम अपना श्रम उसमें देते हैं, समय देते हैं, तो क्या हम अपने परिवार को चला सकते हैं। एक बड़ा सवाल ये है। इस व्यवसाय को शुरुआत करने के लिए आपको कोई बड़ी पूंजी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये व्यवसाय केवल आप ग्राहक बनकर शुरू कर सकते हैं। जैसे आप सामान्य तौर पर अपनी ज़रूरत की सामान खरीदते हैं मार्केट से, वहाँ तो कोई लागत तो लगाते नहीं, आप सामान खरीदते हैं, वैसे ही यहाँ पर कस्टमर बनकर आज आप इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। मैं जावेद जी आपको बताऊँ कि इस व्यवसाय की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये एक कॉमन मैन को ध्यान में रखकर बनाया गया है, कि वहाँ पर कैसे उनके पास समस्या क्या होती है, पैसे की समस्या होती है, पैसे नहीं होते, दूसरा डर उनको होता है कि रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जब यहाँ लागत ही नहीं है तो रिस्क वाली तो कोई बात है नहीं। तो इसलिए इस व्यवसाय में कोई भी आ सकता है, बस उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए, पैसे उसके पास हो ना हो, लेकिन आगे बढ़ने की सोच होनी चाहिए। ये व्यवसाय कोई शॉर्टकट नहीं है कि सिर्फ आएंगे और पैसे आ जाएंगे। अगर वो एक सही तरीके से संघर्ष करने को तैयार हैं, सीखने को तैयार हैं, तो एक 5 साल में एक अच्छे भविष्य का निर्माण वो कर सकते हैं। हमारी टीम में हजारों लोगों ने किया है। रीवा की धरती से दिल्ली, बॉम्बे होता हुआ यह सफ़र विदेश की तरफ चला गया, आज आप रीवा में हैं। मैं सबकी बात तो नहीं करूँगा, मैं केवल आज युवाओं की ही बात करूँगा, उनके लिए आज आप यहाँ से क्या संदेश देंगे? मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ कि युवा एक ऐसी उम्र होती है जो अपने भविष्य का निर्माण करने की उम्र होती है, आधार बनाने का उम्र होती है। इस समय को वेस्ट ना करिए, बर्बाद मत करिए। पहली चीज़ तो अगर आप किसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप सिंसियर हैं और अगर आपको लगता है कि हाँ आपका फ्यूचर वहाँ बन सकता है, तब तो आप वही करिए, मैं आपको ये भी सलाह दूँगा। लेकिन इसके साथ आप ये चीज़ के बारे में भी सोचिए कि आप कितने भी होनहार क्यों ना हों, आपको सभी लोगों को जॉब नहीं मिल सकती, ये कन्फर्म है। जॉब अगर 300 निकलती हैं, बहुत ही ख़राब लगता है ये कहते हुए कि हमारे PhD किए हुए युवा ऑफिस में स्वीपर और क्लीनर के जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। जहाँ पे ज़रूरत केवल 10वीं पास या 12वीं पास आदमी की है, वहाँ PhD डॉक्टरेट लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। मतलब अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत देश में कोई नौकरी नहीं करना चाहता था, अंग्रेज़ों ने मार मार के हमको नौकर बनाया, और अब अंग्रेज तो चले गए लेकिन नौकरी की मानसिकता आज तक हमारे दिमाग में डाल के चले गए। तो अगर आप किसी अच्छी सर्विस में जाना चाहते हैं, उसे बुराई नहीं है, लेकिन अपनी मानसिकता को बदलिए कि आप केवल नौकरी के लिए बने हैं ऐसा नहीं है, या केवल किसी छोटे काम के लिए बने ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर एक प्रयास कर सकते हैं। और अगर आप किसी काम में भी हैं, अगर किसी बिजनेस में हैं, कोई जॉब में हैं, उसके साथ में भी पार्ट टाइम आप इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। दुर्गेश त्रिपाठी जी ने एक ऐसी बात की जिसको मगर मैं कहूँ आश्चर्यजनक किंतु सत्य, बगैर पैसे का व्यवसाय, बगैर पैसे का व्यवसाय, इसका सीधा सा मतलब है आप पैसे मत लगाइए। आप जो भी घर में सामान इस्तेमाल कर रहे हैं बाजार से, कहीं ना कहीं से तो आप खरीद ही रहे हैं, आप केवल उस सामान को खरीदिए, बाकी काम हमारी टीम पर छोड़ दीजिए, हम आपके घर का आप व्यवसाय, आपके घर का आपका व्यवसाय, आपके घर की दाल रोटी का इंतज़ाम करने के लिए हम हैं, हमारी टीम। जी हाँ बताइए जी, एक चीज़ मैं कहूँगा, बाकी काम हमारे ऊपर नहीं छोड़ना है, बाकी काम उन्हें करना पड़ेगा जी। मतलब कहने का यह है कि व्यवसाय में अगर वो शॉपिंग करते हैं तो ये है कि उनके व्यवसाय की शुरुआत हो जाएगी,
सक्सेस लेनी है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, बिजनेस का प्रचार करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा स्ट्रांग करना पड़ेगा। इसके लिए सहयोग हम लोग करते हैं, सिखाते हैं जी। हमारी टीम आपके लिए पूरी तरीके से मदद करने के लिए तत्पर रहेगी। आपने अपना सामान लिया अपने ज़रूरत का, अगर आपको अच्छा लगा तो अब वो सामान आपको दूसरे को देना है। कैसे देना है, किस तरीके से कन्विंस करना है, उसके लिए हम बैठे हैं। केवल आपको इतना काम करना, आपकी मेहनत आपको उस मुकाम तक ले जा सकती है जहां तक आपने सोचा नहीं होगा। उसका जीता जाता उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त।